नमस्कार, मैं अभिनंदन, आपका एच डी आर ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यहां पे अभी एस्परेंट लाइफ हॉस्टल्स की एस्परेंट लाइफ कवर कर रहा हूं, जिसमें पीछे जो है कई हॉस्टल्स हमने कवर किए, उसी की सीरीज में आज हम लोग आए हैं केपीयूसी हॉस्टल। और केपीयूसी हॉस्टल हम लोग यहाँ पे ये कवर करेंगे कि क्या है जो ये एकदम यूनिवर्सिटी के सामने है। आप पीछे बिल्डिंग भी देख सकते हैं, जस्ट पीछे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, एकदम पास में है। तो अभी हम लोग केपीयूसी हॉस्टल आए हैं और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम शाश्वत सिंह है। तो आज हमारे बीच बात करने के लिए शाश्वत सिंह जी हैं। तो शाश्वत जी, अभी आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर, इस समय वर्तमान में या मैं सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। तो अभी आप कुछ सिविल की तैयारी कर रहे हैं कुछ? जी नहीं, स्पेशली तो अभी सिविल की तैयारी हम नहीं शुरू किए हुए हैं। तो जो एक हॉस्टल में, जैसे यहाँ पे अभी हर साल सिलेक्शन होता है यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और यूपी पीसीएस के भी बहुत सारे एग्जाम में, तो वो सिलेक्शन रेशियो जो घटता जा रहा है, इसके लिए आपको कौन से कारण जिम्मेदार लगते हैं? सर, वास्तविक कारण तो ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं, छात्रावास का एक तरह से आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट, आज का जो दौर है उस दौर में जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात ये माने कर रखती है रोज़गार, क्योंकि रोज़गार जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है देश के लिए। तो लोग जो है बड़े सपने ना देख के लोग पहले छोटी नौकरियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, और छोटी नौकरियों के पीछे ज़्यादा भागने का एक मेन रीज़न ये है कि लोगों का जो बैकग्राउंड है किसान परिवेश, वो एक बहुत बड़ा महज कारण है। तो छात्र जो है पहले भी तो यहाँ पे किसान के ही लड़के आईएएस और आईपीएस होते थे। जी ज़रूर, पहले किसान के लड़के आईएएस आईपीएस होते थे ज़रूर, लेकिन पहले इतनी मारामारी नहीं थी बेरोजगारी को लेके। लोग जल्द से जल्द रोज़गार पाना चाहते हैं, इसके चक्कर में लोग पहले जब छोटी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो आईएएस और पीसीएस जो है ये दूर के ढोल हो जा रहे हैं एक तरीके से कह लीजिए। कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद का एक माहौल है, बच्चे छोटी छोटी नौकरियों के लिए, जैसे यूपी पुलिस, मैं यहाँ पे किसी नौकरी की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गरिमा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की थी उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो जो कम हुआ है उस पर हमारी बात है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि कोई जॉब जो है छोटा है बड़ा है, लेकिन जो इलाहाबाद के बच्चों का एक माहौल है वो थोड़ा सा चेंज होता नजर आ रहा है, कि अगर यूपी पुलिस का फॉर्म आ रहा है उसको भी अप्लाई कर रहे हैं, उससे भी छोटा कोई आ रहा है, चपरासी भी आ रहा है। खैर, अभी तो आईआईटीएन बहुत सारे कर रहे हैं चपरासी का फॉर्म भी अप्लाई, वो तो बेरोजगारी एक इश्यू है। तो अभी हॉस्टल में अभी आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सर, हॉस्टल की सुविधाओं से, हॉस्टल की सुविधा, हॉस्टल में ऐसा कोई भी, क्या नाम है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसके कारण जो है कि आपकी पढ़ाई ना हो पाए। हॉस्टल सारी सुविधाओं से परिपूर्ण है। छात्रावास में रेगुलर बिजली है, पानी है, साफ सफाई है। छात्रावास में आपको हेल्प करने के लिए सीनियर्स हैं, आपके प्यार के लिए आपके जूनियर्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं हंसी मजाक के लिए। छात्रावास जो एक बहुत ही अच्छी जगह है, जिस जो जो आपको पूरी तरह निखारता है, आपको जीवन जीना सिखाता है। विश्वविद्यालय के छात्रावास सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि आप छात्रावास रहने के बाद, छात्रावास एक तरीके से एक आप समझ लीजिए पूरे जीवन का निचोड़ है। छात्रावास में आप ये सीख जाएंगे कि जीवन के साथ कैसे संघर्ष करना। बच्चे जो है शुरू से, जैसे बहुत सारे और बाहर के छात्रावासों में, या बाहर जो बच्चे छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, उनको क्या है कि वो फेल्योर नहीं सीख पाते हैं कभी। छात्रावास में आपको सबसे अच्छी बात है कि आप फेल्योर को कैसे हैंडल करना है। आप अगर आप फेल हो रहे हैं जीवन में तो आप कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। आप उसको कैसे हैंडल करें, ये सबसे अच्छी बात है जो छात्रावास में सिखाती है। तो भविष्य में अभी आपको सिविल देना है? जी बिल्कुल, सिविल देना है। तो जो अभी हॉस्टल का एक एनवायरनमेंट है, जो यहाँ के पहले सेलेक्ट हुए अधिकारी हैं हर विभाग में, हर प्रशासनिक क्षेत्र में, तो क्या वो जब आते हैं तो वो किसी भी तरह से हेल्पफुल होते हैं, या कुछ ऐसा आपको बताते हैं अपना सक्सेस मंत्र आप कहिए या इस तरह कुछ? जी बिल्कुल, जो भी छात्रावास के सीनियर आते हैं वो तो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आने के बाद वो हमें प्रेरणा भी देते हैं, जैसे कि वो, क्या नाम है, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, वो कौन सी किताबें पढ़ते थे, उनके सीनियर्स उनकी मदद कैसे करते थे, वो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के बीच कैसे तारतम्यता बनाए रखते थे पढ़ाई का, कि विश्वविद्यालय का भी सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद सिविल का भी सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद खेल कूद भी है, छात्रावास में रहना कैसे, छात्रावास के कल्चर को कैसे फॉलो करना, इन सब के बीच सामंजस्य बैठाते हुए हमें सुप्रीम क्या, पढ़ाई को सुप्रीम रख के छात्रावास में रहना है। बहुत सारी सुविधाएं हैं छात्रावास में, आप जिस सुविधा के साथ पढ़ना चाहते हैं। अभी 2018-19 या 19-20 वाले में रिजल्ट में पीसीएस में एक दो बड़े अधिकारियों के यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, क्या नाम है? सर, अखिलेश यादव सर, पीसीएस 2019 11 रैंक, और हाँ पुरुषोत्तम ओझा सर आर ओ
समीक्षा अधिकारी सचिव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और तमाम होते रहते हैं। और विश्वविद्यालय से तो लगभग हमको लगता है कि दहाई के आंकड़े में लगभग सिलेक्शन हुआ था, हमारे छात्रावास से भी 2 से 3 सिलेक्शन हुए थे। मतलब ये छात्रावास जो यूनिवर्सिटी के हैं, हर छात्रावास से एक सिलेक्शन की एक परंपरा है कि ऐसा कोई भी शायद एग्जाम नहीं जाता कि यहाँ से सिलेक्शन ना होता। अच्छा, हॉस्टल का जो ये KPUC नाम है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपको पता है? जी हाँ, क्या नाम? कैश पाठशाला यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो ये बताइए, जैसे कि और सारे जैसे हॉस्टल्स वो यूनिवर्सिटी के हैं, ये हॉस्टल ट्रस्ट का है, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? सर, सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये विश्व, यहाँ पर समानता केवल एक ही है कि यहाँ विश्वविद्यालय के छात्र रहते हैं, और कोई समानता नहीं है विश्वविद्यालय के छात्रावास और KPUC में। यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो बच्चों के फीस से चलती हैं, चाहे यहाँ। अच्छा, कितनी फीस है? 15,000 पर स्टूडेंट। और स्टूडेंट को रूम कैसे यहाँ मिलता है? सर, रैंक के हिसाब से विश्वविद्यालय लिस्ट भेजती है, और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है वो एक रैंकिंग लिस्ट बना के विश्वविद्यालय को भेज देते हैं, विश्वविद्यालय फिर बच्चों को यहाँ छात्रावास में भेजती है। कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी के टॉपर बच्चे होते हैं उन्हीं को हॉस्टल्स मिलता है, और वो यहीं पे आते हैं, हॉस्टल्स में आते हैं, और जो हॉस्टल्स का एक आप एक अच्छा इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, अभी हम हॉस्टल्स का भी लुक आपको दिखाएंगे। अच्छा, हॉस्टल में और किस तरह से जो है सिविल के लिए हॉस्टल उपयोगी हो सकता है? सर, सिविल के लिए सबसे पहले उपयोगी तो इस मामले में हो सकता है कि आप जैसे आप पहली बार छात्रावास आए, तो छात्रावास में आपके सीनियर्स रह रहे हैं, तो आप उनसे गाइड ले सकते हैं, जैसे कि हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है। और तैयारी कैसे शुरू करनी, मान लीजिए आप जो है आप अपना ऑप्शनल अर्थशास्त्र रखना चाहते हैं, तो अर्थशास्त्र के लिए आपको एक या दो सीनियर छात्रावास में ज़रूर मिल जाएंगे, जो जिनकी उस विषय पर आप या तो वो प्रश्नातक कर रहे होंगे या थर्ड ईयर में होंगे या तो रिसर्च भी कर रहे होंगे, तो वो अगर उनकी जानकारी अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकती है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर आपको वो बता रहे हैं तो वो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं, जैसे कि अगर वो रिसर्च में, तो उनको ज़्यादा जानकारी है हमसे, तो वो हमको बहुत बेनिफिट करेगी। अभी आप यहाँ पर कितने आवर की स्टडी करते हैं? सर, रेगुलर 5 से 6 घंटे। तो जैसा कि हमने KPUC हॉस्टल में सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है कि छात्रावास के लिए जो बाहर से स्टूडेंट आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके टॉप हो करके आना चाहते हैं और इस हॉस्टल को चुनना चाहते हैं, कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है उनके लिए जो उपयोगी हो, या सिविल के पर्पज़ से अगर बच्चा इलाहाबाद में आ रहा है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले रहा है, तो आपको ऐसा कोई पॉइंट लगता है? जी, सबसे अच्छी बात तो सर, हमारे छात्रावास की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि ये विश्वविद्यालय के एकदम जो है समीप है। और सर, ये छात्रावास ये कह सकते हैं कि हर सुविधाओं से परिपूर्ण है। हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई बच्चा आ रहा है विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहा है, तो अपनी पहली प्रायोरिटी KPUC छात्रावास को दे। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि बच्चा पहली प्रायोरिटी KPUC को दे, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर होता है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, एक ट्रस्ट के हॉस्टल और जो यूनिवर्सिटी के मूल हॉस्टल्स होते हैं वो कह सकते हैं कि ये उसका पार्ट होता है, लेकिन पूरा लीगली पार्ट इसका नहीं होता, इसको किसी संस्था द्वारा चलाया जाता है, तो ये अंतर होता है। बाकी सारी सुविधाएं हॉस्टल्स में हैं। अगर आप इलाहाबाद आते हैं और यूनिवर्सिटी से अगर आप UG PG कुछ भी कर रहे हैं और सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हॉस्टल आपके लिए पॉजिटिव एटमॉस्फियर वहाँ पे आपके लिए होता है। और अभी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अदर हॉस्टल्स के भी लिस्ट आपको दे देंगे, और उसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा हॉस्टल कैसा है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये KPUC हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ये हॉस्टल है।